नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश मां जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में। बारह राशि होता है तो बारह राशि में जो चौथा राशि उसे कर्क राशि कहते हैं और कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं और चंद्रमा के जो इष्ट देवता हैं भगवान शिव हैं। और कर्क राशि देखिए जल तत्व राशि है, इनका चर राशि है। तो जल तत्व देखिए इनका जो स्वभाव रहेगा कर्क राशि वालों का, जल तत्व माने कहीं जल स्थायी रुकता नहीं, जल भ्रमण करता रहता, इनका मन जो स्थिरता नहीं रहेगा। जिनका भी कर्क राशि होगा वो हमेशा भ्रमण करते रहेंगे, किसी के साथ ये मित्रता तो करेंगे पर इनको इतना रिस्पॉन्स लाभ इनको नहीं मिलता, इसलिए इनका ज़्यादा मैत्री चल नहीं पाता। खैर ये तो अपने दिल के साफ रहते हैं, उच्च इनका विचार रहता है, लेकिन कर्क राशि वालों का जो तत्व है ये जल तत्व बताए, इसलिए जल हमेशा भ्रमण करने वाला रहता है। प्रिय मित्रों आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि कर्क राशि में कितना नक्षत्र आता है और कितना चरण आता है और कर्क राशि वालों की संपूर्ण आयु कितनी होती है। प्रिय मित्रों क्योंकि जो बताया गया है कर्क राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, पहले आपको बताया कि एक राशि में नौ चरण होता है और प्रत्येक नक्षत्र में चार चार चरण होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कर्क राशि में देखिए पुनर्वसु का एक नक्षत्र और पुख्य नक्षत्र का चार चरण और श्लेखा नक्षत्र का चार चरण मिलकर के कर्क राशि बनता है। यदि व्यक्ति जातक जातिका यदि कर्क राशि में इन नक्षत्रों में या किन चरण में जन्म लिया है, क्या लाभ प्राप्त होगा, उनका विचार कैसा होगा, प्रोग्रेस कितना करेंगे, संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इनकी संपूर्ण आयु कितनी है वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि कर्क राशि में नक्षत्र कितना आता है, चरण कितना आता है, उनकी संपूर्ण आयु कितनी होती है। उसके पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि कर्क राशि का स्वभाव थोड़ा इनका विवेचन कर दें। देखिए कर्क राशि इनका चिन्ह जो है केकड़ा है, इनका चिन्ह केकड़ा बताया गया है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा के इष्ट देवता भगवान शिव जी हैं। कर्क राशि का जो तत्व है जल तत्व है, इनकी राशि चर राशि है, दिशा उत्तर है और जिनकी भी कर्क राशि होगी ये व्यक्ति राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, राजनीति में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, कोई कार्य क्षेत्र करेंगे उसको अवश्य प्राप्त करते हैं। कर्क राशि वालों जातक जातकों को अपने परिवार या पत्नी तथा पुत्र के प्रति प्रबल मोह प्रेम होता है, प्रेम बहुत करते हैं और ग्रसित रहते हैं, इनके बिना इनका जीवन अधूरा रहता है, ये बिना पत्नी बिना पुत्र का ऐसा सोचते हैं कि मैं अधूरा हूँ। इनकी जो मैत्री होती है जीवन भर निभाना जानते हैं, किसी के साथ मित्रता करेंगे अवश्य निभाएंगे पर इनको उतना लाभ नहीं मिलता, किसी के साथ ये अपना अच्छाई करेंगे पर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इनके साथ छल किया जाता है, अपनी इच्छा के स्वामी होते हैं और अपने सुख में रहते हैं, आनंद रहते हैं और कोई भी चीज़ इनको कोई दोषारोपण लगाता है तो बहुत दुखी होते हैं तथा खुद पर किसी भी प्रकार का अंकुश थोपा जाना सहन नहीं करते। ऐसे जातक उच्च पद पर पहुँचते हैं, यश मान सम्मान प्राप्त करते हैं, ये उत्तम कलाकार होते हैं, जिसकी भी कर्क राशि होगी लेखक होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, संगीतकार होते हैं, नाटककार माने एक्टर होते हैं बनते हैं, इनका व्यापार बिजनेस जो करते हैं बहुत प्रोग्रेस करते हैं, जिनमें भी हाथ लगाते हैं उच्च पद को अवश्य प्राप्त करते हैं, बिजनेस व्यापार बनते हैं। कर्क वाले दवा ये आप किसमें बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाभ हो सकता है, दवा की कंपनी हो, रेस्टोरेंट हो, जल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं जैसे दूध हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों धन मैं कंपनियों में धन लगाना लाभदायक होता है। कर्क राशि वाले जातक बचपन से दुर्लभ होते हैं, आयु के साथ साथ उनका राशि शरीर जो है जो इनका उम्र बढ़ता है तो विकास होता है, इनको थोड़ा तकलीफ पेट समस्या फेफड़े समस्या थोड़ा तकलीफ रहता है, अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनकी भी कर्क राशि ये लोग सोचते बहुत हैं, सपने का जाल बुनते बहुत रहते हैं, उम्र बढ़ते ही इनका पेट थोड़ा सा बड़ंग हो जाता है बढ़ जाता है, इनका जवानी में स्वास्थ्य खराब रहता है लेकिन उम्र बढ़ते ही सुधारना प्रारंभ हो जाता है, जैसे इनका धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा ये व्यक्ति सुधरना प्रारंभ करेंगे। कर्क राशि वाले स्वभाव से निर्मल होते हैं,
सज्जन होते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं रहता, जिनका भी कर्क राशि होगा और उच्च पद को अवश्य प्राप्त करते हैं। हमारे श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी कुंडली देखिए कर्क लग्न है, इनके सूर्य उच्च के हैं बताया गया, चंद्रमा उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, तो जिनकी भी कर्क राशि हो व्यक्ति अवश्य उच्च पद को प्राप्त करता है और राजनीति में बहुत आगे जाता है। ऐसे आज का वर्तमान देखा जाए तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी कुंडली में पाया गया है, तो कहने का तात्पर्य जिसकी भी कर्क राशि या कर्क लग्न हो व्यक्ति अवश्य उच्च पद को प्राप्त करता है। लेकिन इनका जो चिन्ह बताया गया केकड़ा, तो कर्क राशि का जो स्वभाव केकड़ा है, किसी को पकड़ लेते हैं ये तो चीज को भूलते नहीं है ये, तो कहने का तात्पर्य है जिसे केकड़े का टांग भले कट जाए पर छोड़ता नहीं है। तो कर्क राशि वालों को बात बहुत लगते हैं, कोई बोल देगा तो इनको तकलीफ बहुत हो तो इस चीज़ को भूलते नहीं है, लेकिन इनका जो मन रहता है निर्मल रहता है, ये किसी के साथ बहुत जल्दी मैत्री कर लेते हैं लेकिन इनको धोखा मिल जाता है, क्योंकि कर्क राशि का जो जो तत्व बताया गया जल तत्व बताया गया, जल स्थिरता कहीं रहता नहीं, जल भ्रमण करता रहता है, इसलिए इनका मन भी भ्रमण करने वाला होता है। प्रिय मित्रों, अब आपको बताने चल रहे हैं कि कर्क राशि में कितना नक्षत्र आता है और कितना चरण आता है और कर्क राशि वाले जातक जातकों का कितना संपूर्ण आयु होता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले कर्क राशि नक्षत्र में कर्क राशि नक्षत्र चरण और आयु विचार, तो कर्क राशि में तीन नक्षत्र आता है, पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा। तो पुनर्वसु का एक चरण, पुख्य के चार चरण, अश्लेखा के चार चरण मिलकर के कर्क राशि का निर्माण होता है। जिस भी जातक जातिका का जन्म कर्क राशि में हुआ होगा, पुनर्वसु नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ होगा तो व्यक्ति क्या होगा, परम धनी होगा। जिसका भी जन्म हुआ होगा परम धनी होगा, उनके यहाँ कभी भी धन का कमी नहीं होता है। यदि पुख नक्षत्र का चार चरण बताया गया है, किसी की राशि कर्क राशि है, पुख के प्रथम चरण में यदि जन्म लिया होगा व्यक्ति तो राजा होता है, द्वितीय चरण में जन्म हुआ होगा तो मुनियों में श्रेष्ठ होता है, और तृतीय चरण में जन्म हुआ होगा तो व्यक्ति परम ज्ञानी विद्वान होता है, शास्त्रों का जानकार होता है, विवेकशील होता है, गुणवान होता है, लक्ष्मीवान होता है, कृतवान होता है और बहुत प्रोग्रेस करता है अपने जीवन में। यदि पुख नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ हो तो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, सरल होता है, सम्मान करने वाला होता है, माता पिता का परम भक्त होता है, कुटुंब को आगे लेके चलने वाला होता है और हर शास्त्र का ज्ञाता होता है, धर्म करने वाला होता है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति परम धर्मात्मा होता है और प्रोग्रेस करता है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। इस कर्क राशि के अश्लेखा नक्षत्र के चार चरण बताया गया है, यदि प्रथम चरण में किसी का अश्लेखे के चरण में जन्म हुआ होगा तो व्यक्ति क्या होगा, चोर स्वभाव होगा, चोरी करने वाला होगा, उसके मन में छल कपट रहेगा। यदि अश्लेखा के द्वितीय चरण में जन्म हुआ होगा तो व्यक्ति निर्धन होगा, निर्धन उससे इसके पास कुछ भी ना हो, निराशा भावना हो, कुछ कार्य कर उसमें लाभ प्राप्त न हो, न धन हो, न गाड़ी हो, न बंगला हो, न वैभव, न यश हो, न कृति, न मान सम्मान, तो परम निर्धन को कहा गया है। यदि अश्लेखा के तृतीय चरण में जन्म हुआ हो तो देश के पूज्य होते हैं, कहीं भी व्यक्ति रहेगा परम आदरणीय रहेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा, मंत्री वगैरह बन सकता है या बहुत ऊंचे पद को अवश्य प्राप्त करेगा, जिस देश में रहेगा उस देश का नाम रोशन करता है। प्रिय मित्र, अश्लेखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ हो तो कुलभूषण व्यक्ति होता है, अपने कुल को आगे ले जाने वाला होता है, कुल को तारने वाला होता है, अपने खानदान कुटुंब का सिरमौर होता है और पूरे परिवार को आगे लेके जाता है। प्रिय मित्रों, अब आपको बताने चल रहे हैं कि जिसकी भी कर्क राशि होगी उनकी संपूर्ण आयु कितना है। देखिए, जिनका भी कर्क राशि में जन्म हुआ होगा, जन्म के दिन जब 11 दिन हो जाते हैं तो वे 11वें दिन मृत्यु भय, जब 11 दिन हो गए उनको मृत्यु तो उनको शरीर को कष्ट पहुंचता है। 9 मास, जब 9 महीने के हो जाते हैं तो शरीर में भयंकर कष्ट होता है। जिनकी भी कर्क राशि होगा जन्म के बाद, जब कर्क राशि वाले 1 वर्ष के हो जाते हैं तो इनको शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जब कर्क राशि वाले 7 वर्ष में हो जाते हैं तो 7वें वर्ष इनको विशेष ध्यान देना चाहिए, जल घात बताया गया, जल से इनको पानी से बचना चाहिए, और जब 9 वर्ष में होते हैं तो इनको शरीर को कष्ट, शरीर को रोग उत्पन्न होता है, और जब 16 वर्ष के होते हैं तो इनको अंग रोग, कोई शरीर में अंग में तकलीफ इनको हो जाता है। जब 27वें और 35वें, जब 27 वर्ष को हो, 35 वर्ष को हो तो अल्प मृत्यु कष्ट बताएगा, माने अल्प मृत्यु माने मृत्यु तुल्य कष्ट इनको होता है, ये समय विशेष ध्यान देना 27-35 और 45-55-61 45 साल 55 साल 61 साल, ये जो 3 बताया मैंने, इनको शरीर को बहुत खतरनाक कष्ट होता है, अल्प मृत्यु कष्टकारी होता है और इनको जो है बहुत ही सुंदर तरीके से
मानसिक विवेचन किया गया कि संपूर्ण आयु कितनी होती है, 70 वर्ष 5 महीना 3 दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोधूली समय में देह का त्याग करते हैं। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जो कर्क राशि का विवेचन किया गया है, मान सागरी में अद्भुत प्रस्तुत किया गया है कि कर्क राशि वाले जातक जातकों का संपूर्ण आयु कितना होता है, 70 वर्ष 5 मास माने 5 महीना 3 दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोधूली समय में देह का त्याग करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि कर्क राशि पे जो चंद्रमा यदि उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति का आयु और बढ़ सकता है, व्यक्ति और जीवित रह सकता है, व्यक्ति 85 वर्ष तक जीवित। लेकिन यदि चंद्रमा पे किसी क्रूर दृष्टि हो, कोई गड़बड़ ग्रहों की दृष्टि हो, ये मानव शरीर में इसका विवेचन बहुत सुंदर बताया गया है कि व्यक्ति ये समय पे देह को त्यागता है। प्रिय मित्रों, मान लीजिए यहाँ मैं छोटा सा विश्लेषण आपको बताया हूँ, यहाँ 4 लिखा है तो 4 हो गया कर्क लग्न, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए, चंद्रमा की इष्ट हो गए भगवान शिव। यदि किसी की कर्क राशि होगा, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कर्क वाले राशि वाले थोड़ा सा जन्म से ही थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम उनको रहता है, उनको पेट की तकलीफ, फेफड़े संबंध तकलीफ, शरीर की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर सोमवार के दिन भगवान शिव का अवश्य व्रत धारण करना चाहिए, या हो सके कहीं नज़दीक शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ जल और दूध अवश्य चढ़ाएं सोमवार के दिन, और पंचाक्षर मंत्र बोलें ओम नमः शिवाय 21 बार 11 बार अवश्य बोलें। यदि आपको ये योग दिखता हो और जिनका भी कर्क राशि हो, शरीर की तकलीफ हो या कोई तकलीफ मानसिक बीमारी हो या पारिवारिक कोई बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए, 3 बार तो अवश्य करना चाहिए, तो 18 वर्ष में, और दूसरा जब 33 से 35 वर्ष को, और तीसरा 40-45 के बीच में 45 वर्ष में। ये 3 स्टेप ऐसा इनके जीवन में कि अवश्य महामृत्युंजय करना चाहिए। मंत्र क्या है, ओं ह्रों ओं जों सः भूर्भुवः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीं मां तात् भूर्भुवः ह्रों जों सः ह्रों ओम। इस मंत्र का जितना हो सके व्यक्ति को, कर्क राशि वालों को विशेष शिव जी का महामृत्युंजय जब बहुत ही लाभकारी है, हितकारी है, शुभकारी है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की इष्ट देवता भगवान शिव है। यदि शिव को जपेंगे कभी उनको शारीरिक प्रॉब्लम आएगा नहीं, कभी दिक्कत उनको परिवार में आएगा नहीं। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई से बताने चल रहे हैं कि जहाँ चंद्रमा है यहाँ 4 लिखा है तो कर्क लग्न हुआ, यहाँ बात चल रहा है राशि का, तो चंद्रमा यदि कर्क पे बैठा है तो कर्क राशि हो गया। अब देखिए उस व्यक्ति को थोड़ा और कहीं बता रहे हैं, जिसकी भी कर्क राशि होगा, लग्न कर्क होगा, यहाँ देखिए चंद्रमा बैठे हैं, उस व्यक्ति को मोती अवश्य धारण करना चाहिए। मोती मन का कारक है, इसलिए उनका भटकाव कम होगा। उसके साथ साथ भाग्यश रत्न माने पुष्कराज, यानी आपको पुखराज और मोती रत्न अवश्य उस व्यक्ति को धारण करें जिसकी भी कर्क राशि हो। लेकिन किसी ज्योतिषकार ब्राह्मण से सलाह लेकर के ये रत्न धारण करें, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि कर्क राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है और इनकी संपूर्ण आयु कितनी होती है। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।